आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पे सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें और प्रगति करें। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रगट नवरात्रि होती है। उनमें शारदीय नवरात्रि तथा चैत्र नवरात्र दोनों नवरात्र विशेष मानी जाती है तथा परंपरा के अनुसार इस नवरात्रि में पूजन अर्चन करें, मंत्र जाप करें, सिद्धि साधना करें, उपाय करें, व्रत करें। लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको नवरात्रि के दौरान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं और भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के त्रिगुणात्मक स्वरूप की आराधना 9 दिनों में 9 दुर्गा के माध्यम से किया जाता है। भगवती महाकाली जो कि शत्रुओं का विनाश करने वाली है, रोगों का शमन करने वाली है तथा भगवती महालक्ष्मी जो कि धन धान्य वैभव सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली है तथा महासरस्वती जो कि विद्या बुद्धि और संयम को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। और इन तीनों देवियों के जो सामूहिक स्वरूप है उसको आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा कहा गया है और इनसे 9 देवियों की उत्पत्ति हुई है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे पुष्पमांडे, चतुर्थम पंचम कंडनादिती, षष्ठम कात्यायनी देव, सप्तमम कालरात्रि महागौरी षष्ठम, नवम सिद्धिदात्रि च, नौ दुर्गा प्रतीतिता। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। यकीन नवरात्रि के दौरान हमको कुछ सावधानी रखना परम आवश्यक होता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन सिद्धि साधना उपाय के लिए माने जाते हैं। लेकिन यदि आप नवरात्रि के दौरान कोई भी गलती करेंगे, गलत काम करेंगे, तो वह पत्थर के समान बन जाएगा। नवरात्रि के सिद्धिदायक दिनों में हमको कुछ विशेष सिद्धि करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, लेकिन ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें जिससे हमारे परिवार में परेशानी उत्पन्न हो, हमारे घर में तनाव उत्पन्न हो या फिर माता रानी को कष्ट हो। ऐसे कार्य हमको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ काम हैं जिनके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नवरात्रि के दौरान आप अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, लेकिन ध्यान रहे कि नवरात्रि के दौरान आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, सेविंग्स नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना और कटवाना नवरात्रि के दौरान वर्जित माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी माता बहन या कन्या को कष्ट ना पहुंचाए, इनका दिल ना दुखाए, क्योंकि माता के अंदर, देवी के अंदर या हमारे बहन बेटी के अंदर साक्षात देवी माँ निर्जाजित हो जाती है। इसलिए आप किसी भी मातृशक्ति को इस दौरान कष्ट ना पहुंचाए, उनका दिल ना दुखाए। इसी तरह नवरात्रि के दौरान आपको पान समृद्धा या फिर अंडी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कोई भी गलत चीज बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और पवित्र वस्तुओं ही ग्रहण करना चाहिए तथा नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर पर कोई भी याचक या भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अन्यथा उसका दिल दुख जाएगा। और उसका दिल जब दुख जाएगा तो उसके अंदर जो ईश्वर वास करते हैं उनको कष्ट होगा। इसलिए आप अपनी श्रद्धा या और अपने भक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य उसको अनिवार्य रूप से करें। और यदि माता बहने नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म में आ जाती हैं तो ऐसी अवस्था में व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन देवी माँ का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं कर सकती हैं। कलश की स्थापना यदि उन्होंने की है तो किसी और के द्वारा पूजन करवा सकती हैं, लेकिन मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को कलश को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए,
वह व्रत कर सकती हैं। व्रत करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपके घर परिवार में नवरात्रि के दौरान जन्म अथवा मृत्यु का यदि सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन या देवी माँ का पूजन अर्चन आपको नहीं करना चाहिए। उनको स्पर्श भी आपको नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, सिद्धि साधना होती है, और इस दौरान आपको रात्रि के समय श्मशान में स्मशान में जाने से बचना चाहिए। यदि चौराहे पर आपको नींबू दिखाई दे तो उसको भी आपको नहीं छूना है, या नारियल दिखाई दे तो उसको भी आपको स्पर्श नहीं करना है, उसको लांघना भी नहीं है। और आपको कोई भी ऐसी जगह है मन मूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि यहां पर कोई देवी देवता का स्थान हो सकता है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान समक्ष देवी शक्तियां या फिर वहां पर जो भी देवता का स्थान है वह जागृत अवस्था में रहेंगे। इसलिए मल मूत्र का परित्याग करते समय आपको जो है ऐसे स्थानों से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ तो नवरात्रि के दौरान बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार में आपको झूठ बोलना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए व्यापार से संबंधित कार्यों में यदि आप झूठ बोलती हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता है, इसलिए आप व्यापार में झूठ बोल सकते हैं। लेकिन व्यापार में झूठ बोलना भी कई बार बहुत अनिवार्य हो जाता है। और इसी तरह आप नवरात्रि में रात्रि के समय जब भी भोजन करें या फलाहार करें, या दिन में भी जब आप फलाहार करें या भोजन करें, तो उसमें शुद्ध और फलाहार का ही उपयोग करें। शुद्ध सात्विक फलाहार ही आपको करना चाहिए, तथा बिना भोग लगाए आपको कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे असमर्पित वस्तु कहा जाता है। पहले भोग तैयार करें, उसके बाद माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नवरात्रि के दौरान चार पाई पर सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान चार पाई का परित्याग करते हुए जमीन के ऊपर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। वैसे तो कंबल के बिस्तर पर सोना ही नवरात्रि पे सबसे उपयुक्त माना जाता है, तथा नवरात्रि के दौरान विवाहित दंपत्ति को या अपने पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तथा संयमित जीवन नवरात्रि के दौरान जीना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, और यदि संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार करके एक समय भोजन भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो दो समय फलाहार करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शरीर की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। आज के समय में मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां रहती है, जैसे बीपी, शुगर या अन्य बीमारियां रहती है, तो उनको दवाइयां भी देनी होती है। दवाई लेने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, दवाई लेने से कभी भी कोई व्रत नहीं टूटता है, यह ध्यान रखें। और बार बार आपको जल पीने की भी इच्छा होती है तो जल भी पी सकते हैं, जल पीने में भी कोई दोष नहीं होता है। और आपको यदि बिना कोई खाए वो भी दवाई नहीं ले सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा बाल भोग तैयार कर ले, माता रानी को भोग लगा दी और स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले, उसके बाद आप सिद्धि साधना मंत्र जाप उपाय पूजन पाठ आदि कर्म कर सकते हैं। इसका भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि आप मां सा परमात्मा, हमारी आत्मा में हमारे शरीर में भी एक परमात्मा का निवास होता है, इसलिए उस परमात्मा को कष्ट ना पहुंचाना चाहिए, उस परमात्मा की रक्षा करना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। तो भक्तजनों, माता बहनों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।